हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह वन्हुमा ने अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफल रजी अल्लाह वन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब को नमाज पढ़ते देखा। उनके सर पर पीछे से बालों का जूड़ा बना हुआ था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह वन्हुमा खड़े होकर उसको खोलने लगे। जब इब्ने हारिस ने सलाम फेरा तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह वन्हुमा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, मेरे सर के साथ आपका क्या मामला है, यानी मेरे बाल क्यों खोले? उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, इस तरह जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ने वाले की मिसाल उस इंसान की तरह है जो इस हाल में नमाज पढ़ता है कि उसकी मशकें कसी हुई हों। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1101। वकीअ ने शोबा से, उन्होंने कतादा से और उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में एतदाल इख्तियार करो और कोई शख्स इस तरह अपने बाजू जमीन पर न बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1102। मोहम्मद बिन जाफर और खालिद बिन हारिस ने कहा, हमें शोबा ने उसी सनद के साथ रिवायत की है। इब्ने जाफर की रिवायत में है, कोई शख्स तकल्लुफ करके अपने बाजू इस तरह न बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1103। हजरत बरा रजी अल्लाह वन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सजदा करो तो अपनी हथेलियां जमीन पर रखो और अपनी कोहनियां ऊपर उठाओ। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1104। बकर बिन मुजर ने जाफर बिन रबिया से, उन्होंने आरज से और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मलिक से जो इब्ने बुहाइना रजी अल्लाह अन्हु है रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अपने हाथों को अच्छी तरह खोल देते, यानी अपने पहलुओं से अलग कर लेते थे, यहां तक कि आपके बालों की सफेदी जाहिर हो जाती थी। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1105। अम्र बिन हारिस और लईस बिन साथ दोनों ने जाफर बिन रबिया से उसी सनद के साथ मस्कूरा हदीस बयान की। अम्र बिन हारिस की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते तो सजदे में अपने बाजू इस तरह फैला लेते हत्ता कि आपके बौलों की सफेदी नजर आ जाती। और लईस की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने हाथ बगलों से जुदा रखते हत्ता कि मैं आपकी बौलों की सफेदी देख लेता। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1106। सुफियान बिन उयैना ने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन असम से, उन्होंने अपने चचा यजीद बिन असम से, उन्होंने हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो बकरी का बच्चा अगर आपके दोनों हाथों के दरमियान से गुजरना चाहता तो गुजर सकता था। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1107। मरवान बिन मुआविया फजारी ने हमें खबर दी, कहा, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन असम ने यजीद बिन असम से हदीस बयान की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें खबर दी। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने हाथों के दरमियान फासला करते, उनका मतलब था उन्हें फैला लेते यहाँ तक के पीछे से आपके बगलों की सफेदी देखी जा सकती थी, और जब बैठते तो बाईं रान पर इत्मीनान से बैठते। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1108। वकीअ ने कहा, हमें जाफर बिन बुरकान ने यजीद बिन असम से हदीस सुनाई। उन्होंने हजरत मैमूना बिन तहारिस रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो दोनों हाथों को पहलुओं से दूर रखते यहां तक कि जो आपके पीछे होता वो आपके बगलों की सफेदी को देख सकता था। वकीअ ने कहा, वजाह से मुराद बगलों की सफेदी है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1109। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर ने हमें हदीस बयान की, कहा, हमें अबू खालिद अहमर ने हुसैन मुअल्लिम से हदीस सुनाई। नीज इसहाक बिन इब्राहिम ने कहा, अल्फाज उन्हीं के हैं, हमें ईसा बिन यूनुस ने खबर दी, कहा,
हमें हुसैन मुअल्लिम ने हदीस बयान की। उन्होंने बुदैल बिन मैसरा से, उन्होंने अबू जाउजा से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज तकबीर से और किरात का आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते और जब रुकू करते तो अपना सर न पुश्त से ऊंचा करते और न उसे नीचे करते बल्कि दरमियान में रखते, और जब रुकू से अपना सर उठाते तो सजदे में न जाते हत्ता कि सीधे खड़े हो जाते, और जब सजदे से अपना सर उठाते तो दूसरा सजदा न करते हत्ता कि सीधे बैठ जाते, और हर दो रकातों के बाद अत्तहियात पढ़ते और अपना बायां पांव बिछा लेते और दायां पांव खड़ा रखते और शैतान की तरह यानी दोनों पिंडलियां खड़ी करके पिछले हिस्से पर बैठने से मना फरमाते, और इससे भी मना फरमाते कि इंसान अपने बाजू इस तरह बिछा दे जिस तरह दरिंदा बिछाता है, और नमाज का इख्तिताम सलाम से करते। और इब्ने नुमैर की अबू खालिद से रिवायत में उकबतु शैतान के बजाय आकिबी शैतान है, माना एक ही है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1110। अबू अहवस ने सिमाक बिन हरब से, उन्होंने मूसा बिन तलहा से और उन्होंने अपने वालिद हजरत तलहा रजी अल्लाह वन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज रख ले तो नमाज पढ़ता रहे और उससे आगे से गुजरने वाले की परवाह न करे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1111। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर और इसहाक बिन इब्राहिम ने हदीस बयान की। इसहाक ने कहा, उमर बिन उबैद तनाफिसी ने हमें खबर दी और इब्ने नुमैर ने कहा हमें हदीस सुनाई। उन्होंने सिमाक से, उन्होंने मूसा बिन तलहा से और उन्होंने अपने वालिद हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, हम नमाज पढ़ रहे होते और जानदार हमारे सामने गुजरते, हमने उसका तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के आगे पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज हो तो फिर जो चीज भी उसके सामने से गुजरेगी उसे उसका कोई नुकसान नहीं। इब्ने नुमैर ने, फिर जो चीज भी उसके सामने से गुजरेगी के बजाय तो जो कोई भी उसके सामने से गुजरेगी उसे उसका कोई नुकसान नहीं के अल्फाज बयान किए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1112। सईद बिन अबी अयूब ने अबू अस्वद से, उन्होंने उर्वा से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजी के सूत्रे के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पालान की पिछली लकड़ी के मिसल हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1113। हाइवा ने अबू अस्वद बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने उर्वा से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गज़वा तबूक में नमाजी के सूत्रे के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, पालान की पिछली लकड़ी के मानिंद हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1114। अब्दुल्ला बिन नुमैर ने उबैदुल्ला से, उन्होंने नाफे से और उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन निकलते तो नेजे का हुक्म देते, वो आपके आगे गाड़ दिया जाता, आप उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते और लोग आपके पीछे होते, सफर में भी आप ऐसा ही करते, इस बिना पर हुक्काम ने उस नेजा गाड़ने को अपना लिया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1115। अबू बकर बिन अबी शैबा ने और इब्ने नुमैर ने कहा, हमें मोहम्मद बिन बिशर ने हदीस सुनाई, कहा हमें उबैदुल्लाह ने नाफे से हदीस सुनाई और उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेजा गाड़ते और उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह के उस्ताद इब्ने नुमैर ने यरकुस और अबू बकर बिन अबी शैबा ने यारिस का लफ्ज इस्तेमाल किया, दोनों के माना है आप गाड़ते थे, और इब्ने अबी शैबा की रिवायत में यह इजाफा है, उबैदुल्लाह ने कहा, आनाजा से मुराद हरबा यानी बर्छी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1116।
मुअतमिर बिन सुलेमान ने उबैदुल्ला से, उन्होंने नाफे से और उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवक्त जरूरत अपनी सवारी को सामने करके बिठा लेते और उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1117। अबू बकर बिन अबी शाइबा और इब्ने नुमैर ने कहा, हमें अबू खालिद अहमर ने उबैदुल्ला से, उन्होंने नाफे से और उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी सवारी को सामने रखते हुए नमाज पढ़ लेते थे। और मुहम्मद बिन नुमैर ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को सामने रखते हुए क़िबला रू होकर नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1118। सुफियान ने बयान किया, हमें औन बिन अबी जुहैफा ने अपने वालिद हजरत अबू जुहैफा रजी अल्लाह अन्हु से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मैं मक्के में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप अबताह के मकाम पर चमड़े के एक सुर्ख खैमे में क्याम पजीर थे। अबू जुहैफा ने कहा, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु आपके वजू का पानी लेकर बाहर आए। बाद अज़ां जब आपने वजू कर लिया तो उसमें से किसी को पानी मिल गया और किसी ने दूसरे से उसकी नमी ले ली। उन्होंने कहा, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरहुल्ला यानी लिबास के ऊपर लंबा चोगा पहने हुए निकले। ऐसा लगता है जैसे आज भी मैं आपकी पिंडियों की सफेदी को देख रहा हूँ। आपने वजू किया और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान कही। उन्होंने कहा, मैं भी उनके पीछे इस तरफ और उस तरफ रुख करने लगा। जब वो हय्या अलस्सला और हय्या अलल फला कह रहे थे तो उन्होंने दाएं बाएं रुख किया। कहा, फिर आपके लिए नेजा गाड़ा गया और आपने आगे बढ़कर जोहर की दो रकातें कसर पढ़ाई। आपके आगे से गधा और कुत्ता गुजरता था, उन्हें रोका न जाता था। फिर आपने असर की दो रकातें पढ़ाई और फिर मदीने वापसी तक मुसलसल दो रकातें ही पढ़ाते रहे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1119। उमर बिन अबी जायदा से रिवायत है कि मुझे औन बिन अबी जुहैफा ने हदीस बयान की कि उनके वालिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के सुर्ख खैमे में देखा। कहा, और मैंने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को देखा वो आपके वजू का पानी बाहर ले आए तो मैंने देखा लोग उस पानी को लेने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको उससे कुछ पानी मिल गया उसने उसको बदन पर मल लिया और जिसको उससे ना मिला तो उसने अपने साथी के हाथ की नमी से नमी हासिल कर ली। फिर मैंने बिलाल को देखा, उन्होंने एक नेजा निकाला और उसको गाड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरहुल्ला पहने हुए निकले जो आपने पिंडलियों तक ऊंचा किया हुआ था। आपने नेजे की तरफ रुख करके लोगों को दो रकात नमाज पढ़ाई और मैंने लोगों और चौपायों को नेजे के सामने से गुजरते हुए देखा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1120। अबू उमैस ने और मालिक बिन मेहवल दोनों ने अपनी अपनी सनद से, औन बिन अबी जुहैफा से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफियान और अमर बिन अबी जायदा के हदीस की तरह बयान किया है। उन चारों यानी सुफियान, उमर, अबू उमैस और मालिक में बात दूसरों से जायद अल्फाज बयान करते हैं। मालिक बिन मेहवल के हदीस में है, जब दोपहर का वक्त हुआ तो बिलाल निकले और नमाज के लिए अजान दी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1121। मोहम्मद बिन जाफर ने कहा, हमें शोबा ने हकम से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने हजरत अबू जुहैफा रजी अल्लाह अन्हु से सुना। उन्होंने कहा, सख्त गर्मी के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा की तरफ निकले, वुजू करके इस आलम में जोहर और असर की दो दो रकातें पढ़ी और आपके सामने नेजा था। शोबा ने कहा, औन ने अपने वालिद अबू जुहैफा से रिवायत करते हुए ये इजाफा किया कि नेजे के दूसरी तरफ से औरतें और गधे गुजर रहे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1122। अब्दुर्रहमान बिन महदी ने हमें हदीस बयान की। कहा, शोबा ने हमें हकम और औन की दोनों सनदों के साथ साबिका हदीस की मानिंद हदीस बयान की और उन्होंने यानी इब्ने महदी ने
हकम की हदीस में यह इजाफा किया तो लोग आपके वजू के बचे हुए पानी में से पानी लेने लगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1123। मालिक ने इब्ने शिहाब से, उन्होंने उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला से और उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह उन्हुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैं गधी पर सवार होकर आया। उन दिनों मैं बुलूगत के करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। मैं सफ के सामने से गुजरा और उतर कर गधी को चरने के लिए छोड़ दिया और सफ में दाखिल हो गया तो मुझे किसी ने उस पर नहीं टोका। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1124। यूनुस ने इब्ने शिहाब से रिवायत की, कहा, मुझे उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उतबा ने खबर दी कि उन्हें हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने खबर दी कि वो गधे पर सवार होकर आए जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर मीना में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, गधा सफ के कुछ हिस्से के आगे से गुजरा, फिर वो उससे उतरकर लोगों के साथ सफ में मिल गए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1125। सुफयान बिन उयैना ने ज़ुहरी से उसी सनद के साथ मज़कूरा रिवायत बयान की, कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफा में नमाज पढ़ा रहे थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा अपनी सवारी पर हज कर रहे थे। यह वाकया उनके साथ गालिबन मीना और अराफा दोनों मकामात पर पेश आया। इससे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर जगह सुतरे का एहतिमाम किया जाता था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1126। मामर ने भी जोहरी से उसी सनद के साथ यही हदीस बयान की है और इसमें मीना या अराफा का तस्किरा करने के बजाय हज्जतुल वदा या फतह मक्का के दिन का जिक्र किया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1127। अब्दुल रहमान बिन अबी सईद ने अपने वालिद हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ रहा हो तो किसी को आगे से न गुजरने दे और जहां तक मुमकिन हो उसको हटाए, अगर वो न माने तो उससे लड़े क्योंकि वो शैतान है। यानी मकसूद ये था कि लोगों को उस गुनाह से हर कीमत पर बचाया जाए और नमाज की हुरमत का एहतिमाम किया जाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1128। इब्ने हिलाल यानी हुमैद ने कहा, एक दिन मैं और मेरा एक साथी एक हदीस के बारे में मुजाकरा कर रहे थे कि अबू सालेह सम्मान कहने लगे, मैं तुम्हें हदीस बयान करता हूं जो मैंने अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु से सुनी और उनका अमल जो उनसे देखा। कहा, एक मौके पर जब मैं हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु के साथ था और वो जुमे के दिन किसी चीज की तरफ रुख करके जो उन्हें लोगों से सुतरा मुहैया कर रही थी नमाज पढ़ रहे थे, इतने में अबू मुआइद के खानदान का एक नौजवान आया। उसने उनके आगे से गुजरना चाहा तो उन्होंने उसे उसके सीने से पीछे धकेला। उसने नजर दौड़ाई, उसे अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु के सामने से गुजरने के सिवा कोई रास्ता न मिला। उसने दोबारा गुजरना चाहा तो उन्होंने उसे पहली दफा से ज्यादा शिद्दत के साथ उसके सीने से पीछे धकेला। वो सीधा खड़ा हो गया और अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहा। फिर लोगों की भीड़ में घुसता हुआ निकलकर मरवान के सामने पहुंच गया और जो उसके साथ बीती थी उसकी शिकायत की। कहा, अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु भी मरवान के पास पहुंच गए तो उसने उनसे कहा, आपका अपने भतीजे के साथ क्या मामला है? वो आकर आपकी शिकायत कर रहा है। अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, जब तुम में से कोई लोगों से किसी चीज की औड़ में नमाज पढ़े और कोई उसके आगे से गुजरना चाहे तो वो उसे उसके सीने से धकेले, अगर वो ना माने तो उससे लड़े क्योंकि वो यकीनन शैतान है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1129। इस्माइल बिन अबी फुदाइक ने ज़हाक बिन उस्मान से, उन्होंने सदका बिन यसार से और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ रहा हो तो किसी को अपने आगे से न गुजरने दे, अगर वो न माने तो उससे लड़े क्योंकि उसकी माइयत में उसका हमराही शैतान है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1130। इब्ने अबी फुदैक के बजाय
अबू बकर हनफी ने ज़हाक बिन उस्मान से उसी मज़कूरा सनद के साथ रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे साबिका हदीस के मानिंद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1131। इमाम मालिक ने अबू नजर से और उन्होंने बुसर बिन सईद से रिवायत की कि जैद बिन खालिद जुहनी रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अबू जुहैम रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में भेजा ताकि उनसे पूछें कि उन्होंने नमाजी के आगे से गुजरने वाले के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना था। अबू जुहैम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाला जान ले कि उस पर किस कदर गुनाह है तो उसे 40 साल तक खड़े रहना उसके आगे से गुजरने से बेहतर मालूम हो। अबू नजर ने कहा, मुझे मालूम नहीं उन्होंने 40 दिन कहा या माह या साल। मुस्नद बाजार में 40 साल के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1132। सुफियान ने अबू नजर सालिम से और उन्होंने बुसर बिन सईद से रिवायत की कि जैद बिन खालिद जुहनी रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अबू जुहैम अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के पास भेजा ताकि पूछे कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाते सुना। फिर सुफियान ने मालिक की रिवायत के हम माना हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1133। हजरत सहल बिन साद साअदी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की जगह और दीवार के दरमियान बकरी के गुजरने के बराबर फासला था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1134। हम्माद बिन मसअदा ने यजीद बिन अबी उबैद से और उन्होंने हजरत सलमा बिन अकबा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि वो यानी सलमा रजी अल्लाह अन्हु कोशिश करके मस्जिद नबवी में उस जगह नफली नमाज पढ़ते जहां मुसहफ रखा हुआ था और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह की कोशिश फरमाते थे और यह मिंबर और क़िबले की दीवार के दरमियान बकरी के रास्ते के बराबर फासला था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1135। मक्की बिन इब्राहिम ने कहा, हमें यजीद बिन अबी उबैद ने खबर दी, उन्होंने कहा, हजरत सलामा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु उस सुतून के पास नमाज पढ़ने की जस्तजू करते जो मुसहफ के पास था। मैंने उनसे कहा, ऐ अबू मुस्लिम, मैं देखता हूँ कि आप उस सुतून के पास नमाज पढ़ने का एहतमाम करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके करीब नमाज पढ़ने का एहतमाम करते देखा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1136। यूनुस ने हुमैद बिन हिलाल से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन सामिस से और उन्होंने हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो, जब उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज होगी तो वो उसे सुतरा मुहैया करेगी, और जब उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज ना होगी तो गधा, औरत और स्याह कुत्ता उसकी नमाज को कता करेंगे। मैंने कहा, ऐ अबू जर, स्याह कुत्ते की लाल कुत्ते या जर्द कुत्ते से तख़सीस क्यों है? उन्होंने कहा, भतीजे, मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था जो तुमने मुझसे किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, स्याह कुत्ता शैतान होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1137। सुलेमान बिन मुगैरा, शोबा, जरीर, सलम बिन अबू जयाल और आसिम अहवल सब ने हुमैद बिन हिलाल से यूनुस की सनद के साथ उसकी हदीस की मानिंद हदीस बयान की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1138। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत, गधा और कुत्ता नमाज कता कर देते हैं और पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज उसे बचाती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1139। जुहरी ने उर्वा से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ते थे
मैं जनाजे की तरह आपके और क़िबले के दरमियान चौड़ाई में लेटी होती थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1140। हिशाम ने अपने वालिद उरवा से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत की, उन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपनी पूरी नमाज पढ़ते और मैं आपके और क़िबले के दरमियान लेटी होती थी, और जब आप वितर पढ़ना चाहते मुझे जगा देते तो मैं भी वितर पढ़ लेती। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1141। अबू बकर बिन हफ्स ने उरवा से रिवायत की, उन्होंने कहा हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा ने पूछा कौन सी चीज नमाज कता कर देती है, तो हमने कहा औरत और गधा। उस पर उन्होंने कहा औरत बुरा चौपाया है, मैंने अपने आप को देखा है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चौड़ाई रुख जनाजे की तरह लेटी होती थी जबकि आप नमाज पढ़ रहे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1142। आमश ने हमें हदीस सुनाई, मुझे इब्राहिम ने हदीस बयान की, उन्होंने अस्वद से और अस्वद ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। आमश ने मजीद कहा मुझे मुस्लिम बिन सुबैह ने मसरूक से हदीस बयान की और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत की, उनके सामने उन चीजों का तज़किरा किया गया जो नमाज कता करती हैं, यानी कुत्ता गधा और औरत। तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया तुमने हमें गधों और कुत्तों के मुशाबे बना दिया है, अल्लाह की कसम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में नमाज पढ़ते देखा कि मैं चारपाई पर आपके और क़िबले के दरमियान लेटी होती थी, मुझे ज़रूरत पेश आती तो मैं बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना पसंद न करती, इसलिए मैं उस चारपाई या बिस्तर के पायों वाली जगह की तरफ से खिसक जाती। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1143। मंसूर ने इब्राहिम नखाई से, उन्होंने अस्वद से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत की, उन्होंने फरमाया तुमने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया है, हालांकि मैंने अपने आप को इस तरह देखा है कि मैं चारपाई पर लेटी होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और चारपाई के वस्त में खड़े होकर नमाज पढ़ते, मैं आपके सामने होना पसंद न करती, इसलिए मैं चारपाई के पायों की तरफ से खिसकती यहां तक कि अपने लिहाफ से निकल जाती। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1144। अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान ने हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत की, उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो जाती और मेरे पांव आपके क़िबले वाले हिस्से में होते, जब आप सजदा करते तो पांव पर हाथ लगाकर मुझे इशारा कर देते तो मैं अपने दोनों पांव सुकेड़ लेती, और जब आप खड़े हो जाते तो मैं उनको फैला लेती। उन्होंने यानी आयशा रजी अल्लाह वन्हा ने कहा घर उन दिनों ऐसे थे कि उनमें चराग नहीं होते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1145। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा हजरत मैमूना रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और मैं हैज की हालत में आपके सामने होती, बसा औकात आप सजदा करते तो आपका कपड़ा मुझसे लग रहा होता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1146। हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ते और मैं हैज की हालत में आपके पहलू की जानिब होती, मुझ पर चादर होती और उस चादर का कुछ हिस्सा आपके पहलू की तरफ से आप पर भी होता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1147। इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से, उन्होंने सईद बिन मुसैयब से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि एक साहिल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया क्या तुम में से हर एक के पास दो कपड़े हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1148। यूनुस और उकैल बिन खालिद दोनों ने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से, उन्होंने सईद बिन मुसैयब और अबू सलामा से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबिका हदीस के मानिंद रिवायत बयान की।
सही मुस्लिम हदीस नंबर 1149। मुहम्मद बिन सिरिन ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर पूछा, क्या हम में से कोई शख्स सिर्फ एक कपड़े में नमाज पढ़ सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से हर एक के पास दो कपड़े हैं? सही मुस्लिम हदीस नंबर 1150। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज इस तरह न पढ़े कि उसके कंधों पर उसका कोई हिस्सा ना हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1151। अबू उसामा ने हिशाम बिन उरवा से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। आप उसे लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारे अपने कंधों पर रखे हुए थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1152। वकीय ने हिशाम बिन उरवा की मजकूरा बाला सनद से हदीस सुनाई, हाँ ये फर्क है कि उसने मुतवश्यहन कहा, मुश्तमिलन न कहा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1153। हम्माद बिन जैद ने हिशाम बिन उरवा से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। आपने उसके दोनों किनारों को अदल बदल कर रखा था, यानी दाएं किनारे को बाईं तरफ और बाईं किनारे को दाईं तरफ ले गए थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1154। उतैबा बिन सईद और ईसा बिन हम्माद ने कहा, हमें लईस ने यहया बिन सईद से हदीस सुनाई, उन्होंने अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैम से और उन्होंने हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। आपने उसको लपेटा हुआ था और उसके दोनों किनारों को मुखालिफ सम्त में डाला हुआ था। ईसा बिन हम्माद ने अपनी रिवायत में यह इजाफा किया, अपने कंधों पर डाले हुए थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1155। वकी ने कहा, हमें सुफियान ने अबू जुबैर से हदीस सुनाई, उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा, आपने उसको पटके की तरह लपेटा हुआ था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1156। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर ने अपने वाली से हदीस बयान की, नीज मोहम्मद बिन मुसन्ना ने अब्दुर्रहमान से हदीस बयान की, उन दोनों यानी इब्ने नुमैर और अब्दुर्रहमान ने सुफियान से उसी सनद के साथ यही रिवायत बयान की, और इब्ने नुमैर की हदीस में है, कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां हाजिर हुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1157। अम्र ने कहा कि अबू जुबैर मक्की ने मुझे हदीस सुनाई कि उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा, वो उसको पटके की तरह लपेटे हुए थे और उनके पास उनके कपड़े मौजूद थे, और जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते देखा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1158। ईसा बिन यूनुस ने कहा, हमें आमश ने अबू सुफियान से हदीस सुनाई, उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा मुझे हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ने हदीस सुनाई कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाजिर हुए, कहा तो मैंने आपको एक चटाई पर नमाज पढ़ते देखा, उस पर आप सजदा करते थे और मैंने आपको देखा आप एक कपड़े में उसको पटके की तरह लपेट कर नमाज पढ़ रहे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1159। अबू बकर बिन अबी शैबा और अबू कुरैब ने कहा, हमसे अबू मुआविया ने बयान किया, नीज सुवैद बिन सईद ने कहा, हमसे अली बिन मोसहिर ने रिवायत की, दोनों ने आमश से उसी तरह रिवायत की। अबू कुरैब की रिवायत में है,
आपने उसके दोनों किनारे अपने कंधों पर डाले हुए थे और अबू बकर और सुवैद की रिवायत में है आप उसको पटके की तरह लपेटे हुए थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1160। अबू कामिल जहदरी ने कहा हमें अब्दुल वाहिद ने आमज से हदीस बयान की। नीज अबू बकर बिन अबी शैबा और अबू कुरैब ने कहा हमें अबू मुआविया ने आमज से हदीस सुनाई। उन्होंने हजरत इब्राहिम तैमी से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। कहा मैंने अर्ज की ऐ अल्लाह के रसूल कौन सी मस्जिद जो जमीन में बनाई गई पहली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने पूछा फिर कौन सी? फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने फिर पूछा दोनों की तामीर के माबैन कितना जमाना था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 बरस। और जहां भी तुम्हारे लिए नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लो वही जगह मस्जिद है। अबू कामिल की हदीस में है फिर जहां भी तुम्हारी नमाज का वक्त हो जाए उसे पढ़ लो बिला शुबा वही जगह मस्जिद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1161। अली बिन मुसहिर ने कहा हमें आमच ने इब्राहिम बिन यजीद तैमी से हदीस सुनाई। कहा मैं मस्जिद के बाहर खुली जगह यानी सहन में अपने वालिद को कुरान मजीद सुनाया करता था। जब मैं आयत सजदा की तिलावत करता तो वो सजदा कर लेते। मैंने उनसे पूछा अब्बा जान क्या आप रास्ते ही में सजदा कर लेते हैं? उन्होंने जवाब दिया मैंने अबू जर रजी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना। वो बयान कर रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुए जमीन पर सबसे पहले बनाई जाने वाली मस्जिद के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने अर्ज की फिर कौन सी? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा दोनों की तामीर के दरमियान कितना अरसा था? आपने फरमाया 40 साल। फिर सारी जमीन ही तुम्हारे लिए मस्जिद है जहां भी तुम्हारी नमाज का वक्त आ जाए वही नमाज पढ़ लो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162। याहिया बिन याहिया ने बयान किया कि हमें हुशैम ने सैयार से खबर दी। उन्होंने यजीद उल फकीर से और उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह वन्हुमा से रिवायत की। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। हर नबी खास अपनी कौम ही की तरफ भेजा जाता था और मुझे हर सुर्ख सयाह की तरफ भेजा गया। मेरे लिए अम्वाल गनीमत हलाल करार दिए गए, मुझसे पहले वो किसी के लिए हलाल नहीं किए गए। मेरे लिए जमीन को पाक करने वाली और सरिदागा बनाया गया, लिहाजा जिस शख्स के लिए नमाज का वक्त हो जाए वो जहां भी हो वही नमाज पढ़ ले। और महीने भर की मुसाफत से दुश्मनों पर तारी हो जाने वाले रौब से मेरी नुसरत की गई और मुझे शफाअत का मनसब अता किया गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1163। अबू बकर बिन अबी शैबा ने हुशैम से उसी साबिका सनद से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसी तरह बयान किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1164। हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम लोगों को और लोगों पर फजीलत मिली 3 बातों की वजह से। हमारी सफ़ें फरिश्तों की सफ़ों की तरह की गईं और हमारे लिए सारी जमीन नमाज की जगह है और जमीन की खाक हमको पाक करने वाली है जब पानी न मिले। और एक बात और बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1165। इब्ने अबी ज़ायदा ने अबू मालिक साद बिन तारिक यानी अश्जाई से रिवायत की। कहा मुझे रिबई बिन हिराश ने हजरत हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे साबिका हदीस के मानिंद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1166। अब्दुर्रहमान बिन याकूब ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दूसरे अंबिया पर 6 चीजों के जरिए से फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं, दुश्मनों पर रौब और दबदबे के जरिए से मेरी मदद की गई है, मेरे लिए अम्वाले गनीमत हलाल कर दिए गए हैं, जमीन मेरे लिए पाक करने वाली और मस्जिद करार दी गई है, मुझे तमाम मखलूकात की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है
और मेरे जरिए से नबूवत को मुकम्मल करके अंबिया खत्म कर दिए गए हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1167। यूनुस ने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सईद बिन मुसैयब से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जामे कलिमा देकर भेजा गया है और रौब के जरिए मेरी नुसरत की गई है। मैं नींद के आलम में था कि जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे पास लाकर मेरे हाथों में रख दी गईं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने रब के पास जा चुके हैं और तुम उन खजानों को खोद कर निकाल रहे हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1168। जुबैदी ने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से रिवायत की, उन्होंने कहा, मुझे सईद बिन मुसैयब और अबू सलामा बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे। बकिया यूनुस की हदीस के मानिंद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1169। माबर ने ज़ुहरी से, उन्होंने इब्ने मुसैयब और अबू सलामा बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह बयान किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1170। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के आजाद करदा गुलाम अबू यूनुस से रिवायत है, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने फरमाया, दुश्मन पर रौब तारी करके मेरी मदद की गई, मुझे जामे कलिमा से नवाजा गया और मैं नींद के आलम में था कि जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे पास लाई गईं और उन्हें मेरे हाथों में दे दिया गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1171। हम्माम बिन मुनब्बे से रिवायत है, कहा, ये अहादीस हैं जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बयान की। उन्होंने मुतअद्दिद अहादीस बयान की, उनमें से ये भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है और मुझे जामे कलिमात इनायत किए गए हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1172। अब्दुल वारिस बिन सईद ने हमें अबू तैयाह जुबाई से खबर दी, उन्होंने कहा, हमें हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए तो मदीने के बलाई हिस्से में उस कबीले में फरोकश हुए जिन्हें बनु आमर बिन औफ कहा जाता था और वहां 14 रातें क्याम फरमाया। फिर आपने बनु नजार के सरदारों की तरफ पैगाम भेजा तो वो लोग पूरे एहतमाम से तलवारें लटकाए हुए हाजिर हुए। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, गोया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी सवारी पर देख रहा हूँ। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आपके पीछे सवार हैं और बनु नजार के लोग आपके इर्द गिर्द हैं, यहाँ तक कि आपने सवारी का पालान अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु के आंगन में डाल दिया। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां भी नमाज का वक्त हो जाता आप वही नमाज अदा कर लेते थे। आप बकरियों के बाड़े में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद बनाने का हुक्म दिया गया। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, चुनाचे आपने बनु नजार के लोगों की तरफ पैगाम भेजा, वो हाजिर हो गए। आपने फरमाया, ऐ बनी नजार, मुझसे अपने उस बाग की कीमत तय करो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं अल्लाह की कसम, हम उसकी कीमत सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस जगह वही कुछ था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसमें खजूरों के कुछ दरख्त, मुशरिकों की चंद कब्रें और वीराना था। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, खजूरें काट दी गईं, मुशरिकों की कब्रें उखेड़ दी गईं और वीराने को हमवार कर दिया गया और लोगों ने खजूरों के तनों को एक कतार में किबले की जानिब गाड़ दिया और दरवाजे के तौर पर दोनों जानिब पत्थर लगा दिए गए। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, और लोग यानी सहाबा रिज़िया अशआर पढ़ रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे। वो कहते थे, ऐ अल्लाह, बेशक आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, इसलिए तू अंसार और मुहाजिरीन की नुसरत फरमा। सही मुस्लिम
हदीस नंबर 1173। मुआज़ अंबरी ने कहा, हमें शोबा ने हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे अबू तैयाह ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनाने से पहले बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1174। मुआज़ के बजाय खालिद यानी इब्ने हारिस ने रिवायत की, कहा हमें शोबा ने अबू तैयाह से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से सुना, वो फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे साबिका हदीस के मानिंद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1175। अबू अहवस ने अबू इसहाक से और उन्होंने हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 16 माह तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, यहां तक कि सूरह बकरा की आयत, और तुम जहां कहीं भी हो अपने रुख काबे की तरफ करो, उतरी। यह आयत उस वक्त उतरी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके थे। लोगों में से एक आदमी यह हुक्म सुनकर चला तो अंसार के कुछ लोगों के पास से गुजरा। वो मस्जिद बनी हारिसा में, जिसका नाम उस वाक़े के बाद मस्जिद क़िबलतैन पड़ गया, नमाज पढ़ रहे थे। उसने उन्हें यह हुक्म बताया तो उन्होंने इसनाए नमाज ही में अपने चेहरे बैतुल्लाह की तरफ कर लिए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1176। सुफियान सौरी से रिवायत है, कहा मुझे अबू इसहाक ने हदीस सुनाई, कहा मैंने हजरत बरा रजी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कह रहे थे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 16 या 17 माह बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, फिर हमारा रुख काबे की तरफ फेर दिया गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1177। अब्दुल अजीज बिन मुस्लिम और मालिक बिन अनस ने अपनी अपनी सनदों से अब्दुल्ला बिन दिनार से रिवायत की। उन्होंने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा, लोग कुबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, उसी इसना में उनके पास आने वाला एक शख्स अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह अन्हु आया और उसने कहा, बिलाशुबा रात गुज़श्ता दिन के आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा और आपको हुक्म दिया गया कि आप काबे की तरफ रुख करें, लिहाजा तुम लोग भी उसकी तरफ रुख कर लो। उनके रुख शाम की तरफ थे तो उसी वक्त वो सब काबे की तरफ घूम गए। मूसा बिन उकबा ने नाफे और अब्दुल्ला बिन दिनार से और उन्होंने हजरत इबन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा, लोग सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, उनके पास एक आदमी आया। बाकी हदीस इमाम मालिक की साबिका रिवायत की तरह है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1178। मूसा बिन उकबा ने नाफे और अब्दुल्ला बिन दिनार से और उन्होंने हजरत इबन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा, लोग सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, उनके पास एक आदमी आया। बाकी हदीस इमाम मालिक की साबिका रिवायत की तरह है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1179। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, फिर ये आयत, हम आपका चेहरा आसमान की तरफ फिरता हुआ देख रहे हैं, हम जरूर आपका रुख उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं, लिहाजा आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। बनू सलमा का एक आदमी यानी अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह अन्हु गुजरा। उस वक्त लोग मस्जिद कुबा में सुबह की नमाज में रुकू कर रहे थे और एक रकात उससे पहले पढ़ चुके थे। उसने आवाज दी, सुनो क़िबला तब्दील किया जा चुका है। चुनाचे वो जिस हालत में थे उसी में यानी रुकू ही के आलम में क़िबले की तरफ फिर गए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1180। यहया बिन सईद कत्तान ने हदीस बयान की, कहा हमें हिशाम ने हदीस सुनाई, कहा मुझे मेरे वालिद उरवा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से खबर दी कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस गिरजे का तस्किरा किया जो उन्होंने हबशा में देखा था और उसमें तस्वीरें आवीजा थी। कहा बिलाशुबा वो लोग कदीम से ऐसे ही थे
जब उनमें कोई नेक आदमी फोत हो जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते और उसमें ये तस्वीरें बना देते। ये लोग क़यामत के रोज अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नजदीक बदतरीन मखलूक होंगे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1181। वकीअ ने कहा, हमें हिशाम बिन उरवा ने अपने वालिद उरवा के हवाले से हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से हदीस रिवायत की कि आपके मरजुल मौत में लोगों ने आपके सामने आपस में बातचीत की तो उम्मे सलामा और उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक गिरजे का जिक्र किया, फिर उसी के मानिंद बयान किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1182। यहया और वकी के बजाय अबू मुआविया ने कहा, हमें हिशाम ने अपने वालिद से, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, अजवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कनीसे का जिक्र किया जो उन्होंने हबशे की सरजमीन में देखा था। उसे कनीसाए मारिया कहा जाता था। आगे उन पहले रावियों की हदीस की तरह है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1183। अबू बकर बिन अबी शैबा और अमर नाकिद ने कहा, हमसे हाशिम बिन कासिम ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा, हमें शैबान ने हिलाल बिन अबी हुमैद से हदीस सुनाई। उन्होंने उरवा बिन जुबैर से, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह वन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस बीमारी में जिससे आप उठ न सके यानी जाबर न हुए फरमाया, अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इसलिए अगर यह अंदेशा न होता तो आपकी कब्र को जाहिर रखा जाता, लेकिन यह डर था कि उसे मस्जिद बना लिया जाएगा, इसलिए अल्लाह की मशीयत से वो हुजरे मुबारका में बनाई गई। इब्ने अबी शैबा की रिवायत में फलाउला की जगह वलाउला यानी और अगर के अल्फाज हैं और इससे पहले कालत यानी उन्होंने कहा का लफ्ज नहीं कहा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1184। सईद बिन मुसैयब ने हदीस बयान की कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूद को हलाक करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1185। सईद के बजाय यजीद बिन असम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1186। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद ने खबर दी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा दोनों ने कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफात के लम्हे तारी हुए तो आप अपनी एक चादर अपने चेहरे पर डालते थे और जब जी घबराता तो उसे चेहरे से हटा लेते थे। आप उसी हालत में थे कि आपने फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया, आप उन जैसा अमल करने से डरा रहे थे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1187। हजरत जुंदब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वफा से 5 दिन पहले ये कहते हुए सुना, मैं अल्लाह ताला के हुजूर उस चीज से बरात का इजहार करता हूँ कि तुम में से कोई मेरा खलील हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील बना लिया है, जिस तरह उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था। अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता। खबरदार, तुमसे पहले लोग अपने अंबिया और नेक लोगों की कब्रों को सजदा गाहें बना लिया करते थे। खबरदार, तुम कब्रों को सजदा गाहें न बनाना, मैं तुमको उससे रोकता हूं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1188। हारून बिन सईद ऐली और अहमद बिन ईसा दोनों ने हमें हदीस बयान की। कहा, हमसे इब्ने वहाब ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मुझे अमर ने खबर दी कि बुकैर ने उनसे हदीस बयान की। उन्हें आसिम बिन उमर बिन कतादा ने हदीस बयान की कि उन्होंने उबैदुल्ला खोलानी से सुना। वो बयान कर रहे थे कि उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु को
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की नए सिरे से तामीर के वक्त लोगों ने उनके बारे में बातें की, ये कहते सुना, तुमने बहुत बातें की हैं, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना था, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई। बुकेर ने कहा, मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा, उससे वो अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी चाहता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अहमद बिन ईसा ने अपनी रिवायत में मिसलहू फिल जन्ना, यानी जन्नत में उस जैसा घर कहा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1189। हजरत महमूद बिन लबीद रजी अल्लाह वन्हु से रिवायत है कि हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह वन्हु ने मस्जिद नबवी को नए सिरे से तामीर करना चाहा तो लोगों ने उसे पसंद न किया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो उसे उसकी हालत पर रहने दें। उस पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह वन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने अल्लाह की खातिर कोई मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर तामीर करेगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1190। अबू मुआविया ने हमें आमश से हदीस बयान की, उन्होंने इब्राहिम से और उन्होंने अस्वद और अलकमा से रिवायत की। उन दोनों ने कहा, हम अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के घर उनके खिदमत में हाजिर हुए तो वो पूछने लगे, जो यानी हुक्मरान और उनके साथ ताखीर से नमाज पढ़ने वाले उनके पैरोकार तुमसे पीछे हैं, उन्होंने नमाज पढ़ ली है? हमने अर्ज की, नहीं। उन्होंने कहा, उठो और नमाज पढ़ो। उन्होंने हमें अजान और इकामत कहने का हुक्म न दिया। हम उनके पीछे खड़े होने लगे तो उन्होंने हमारे हाथ पकड़कर एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं तरफ कर दिया। जब उन्होंने रुकू किया तो हमने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे। उन्होंने हमारे हाथों पर हल्का सा मारा और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर अपनी दोनों रानों के दरमियान रख लिया। उन्होंने जब नमाज पढ़ ली तो कहा, यकीनन आइंदा तुम्हारे ऐसे हुक्मरान होंगे जो नमाजों को उनके औकात से मुअख्खर करेंगे और उनके औकात को मरने वालों की आखिरी झिलमिलाहट की तरह तंग कर देंगे। जब तुम उनको देखो कि उन्होंने ये काम शुरू कर लिया है तो तुम हर नमाज उसके वक्त पर पढ़ लेना और उनके साथ अपनी नमाज को नफल बना लेना, और जब तुम तीन आदमी हो तो इकट्ठे खड़े होकर नमाज पढ़ो, और जब तुम तीन से ज्यादा हो तो तुम में से एक इमाम बन जाए, और जब तुम में से कोई रुकू करे तो अपने बाजू अपने रानों पर फैला दे। को देख रहा हूं और उंगलियां पैवस करके उन्हें दिखाई। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1191। सिवाय इन अल्फाज के वहुवा राकिउन, ये रिवायत भी एक दूसरी सनद से उसी तरह मरवी है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1192। आमश के बजाय मंसूर ने इब्राहिम से और उन्होंने अलकमा और अस्वद से रिवायत की कि वो दोनों हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ हाजिर हुए तो उन्होंने पूछा, जो तुम्हारे पीछे हैं उन्होंने नमाज पढ़ ली? दोनों ने कहा, जी हाँ। फिर वो दोनों के दरमियान खड़े हुए, उनमें से एक को अपनी दाई तरफ और दूसरे को अपनी बाई तरफ खड़ा किया। फिर हमने रुकू किया तो हम अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे तो उन्होंने हमारे हाथों पर हल्का सा मारा, फिर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनको अपनी रानों के दरमियान रखा। जब नमाज पढ़ चुके तो कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1193। अबू अवाना ने अबू याफूर से और उन्होंने मुसाब बिन साद से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैंने अपने वालिद यानी साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु के पहलू में नमाज पढ़ी और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के दरमियान रखे तो मुझे मेरे वालिद ने कहा, अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर रखो। उन्होंने मुसाब ने कहा, मैंने दोबारा यही काम किया तो उन्होंने मेरे हाथों पर मारा और कहा, हमें इससे रोक दिया गया था और हुक्म दिया गया था कि हम हथेलियां घुटनों पर टिकाएं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1194। अबू अहवस और सुफियान ने अबू याफूर से मजकूरा बाला सनद के साथ हमें रोक दिया गया तक हदीस बयान की है। उन दोनों ने उसके बाद वाला जुमला बयान नहीं किया। सही मुस्लिम,
हदीस नंबर 1195। वकी ने इस्माइल बिन अबी खालिद से, उन्होंने जुबैर बिन अदी से और उन्होंने मुसाब बिन साद से रिवायत की, कहा मैंने रुकू किया और अपने हाथों को इस तरह कर लिया, यानी उनको जोड़कर अपनी रानों के दरमियान रख लिया, तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा हम इसी तरह किया करते थे, फिर हमें घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म दिया गया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1196। ईसा बिन यूनुस ने भी उसी सनद के साथ मुसाब बिन साद बिन अबी वकास से रिवायत की कि मैंने अपने वालिद के पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जब मैंने रुकू किया तो अपनी उंगलियों को एक दूसरे में डालकर दोनों हाथों को अपने घुटनों के दरमियान रख लिया, उस पर उन्होंने मेरे हाथों पर मारा, फिर जब वह नमाज से फारिग हुए तो कहा हम ऐसे ही किया करते थे, फिर हमें हुक्म दिया गया कि हाथों को उठाकर घुटनों पर रखें। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1197। हजरत ताऊस बयान करते हैं कि हमने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से दोनों पैरों पर बैठने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया ये सुन्नत है। हमने उनसे अर्ज की हमारा तो ख्याल है कि ये इंसान या अगर राह की जेर के साथ रिजल पड़ा जाए तो पांव पर ज्यादती है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा नहीं, बल्कि ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1198। हमसे अबू जाफर मोहम्मद बिन सबाह और अबू बकर बिन अबी शैबा ने हदीस बयान की। हदीस के लफ्जों में भी दोनों एक दूसरे के करीब हैं। दोनों ने कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम ने हदीस बयान की। उन्होंने हज्जाज सवाफ से, उन्होंने यहया बिन अबी कसीर से, उन्होंने हिलाल बिन अबी मैमूना से, उन्होंने अता बिन यासार से और उन्होंने हजरत मुआविया बिन अबी हकम सुलामी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा था कि लोगों में से एक आदमी को छींक आई, तो मैंने कहा यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह तुझ पर रहम करे। लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैंने दिल में कहा मेरी माँ मुझे गुम पाए, तुम सबको क्या हो गया कि मुझे घूर रहे हो। फिर वो अपने हाथ अपने रानों पर मारने लगे। जब मैंने उन्हें देखा कि वो मुझे चुप करा रहे हैं तो मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं खामोश रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपसे बेहतर कोई मुअल्लिम यानी सिखाने वाला नहीं देखा। अल्लाह की कसम, ना तो आपने मुझे डांटा, ना मुझे मारा और ना मुझे बुरा भला कहा। आपने फरमाया ये नमाज है, इसमें किसी किस्म की गुफ्तगू रवा नहीं है, ये तो बस तस्बीह तकबीर और कुरान की तिलावत है, या जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैंने अर्ज की ऐ अल्लाह के रसूल, मैं भी थोड़ा अरसा पहले जाहिलियत में था और अल्लाह ने इस्लाम से नवाज दिया है। हम में से कुछ लोग हैं जो काहिनों यानी पेशगोई करने वाले के पास जाते हैं। आपने फरमाया तुम उनके पास न जाना। मैंने अर्ज की हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बदशगुनी लेते हैं। आपने फरमाया ये ऐसी बात है जो वो अपने दिलों में पाते हैं, यानी एक तरह का वहम है, ये वहम उन्हें उनके किसी काम से न रोके। मोहम्मद बिन सबाह ने रिवायत की ये तुम्हें किसी सूरत अपने कामों से न रोके। मैंने अर्ज की हम में से कुछ लोग लकीरें खींचते हैं। आपने फरमाया साबिका अंबिया में से एक नबी लकीरें खींचा करते थे, तो जिसकी लकीरें उनके मुआफिक हो जाएं वो तो सही हो सकती हैं, लेकिन अब उसका जानना मुश्किल है। मुआविया बिन हकम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मेरी एक लौंडी थी जो उहद और जवानिया के अतराफ में मेरी बकरियां चराया करती थी। एक दिन मैं उस तरफ जा निकला तो भेड़िया उसकी बकरी ले जा चुका था। मैं भी बनी आदम में से एक आदमी हूँ, मुझे भी उसी तरह अफसोस होता है जिस तरह उनको होता है, यानी मुझे सब्र करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मेरी उस हरकत को मेरे लिए बड़ी गलत हरकत करार दिया। मैंने अर्ज की ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं उसे आजाद न कर दूं? आपने फरमाया उसे मेरे पास ले आओ। मैं उसे लेकर आपके पास हाजिर हुआ। आपने उससे पूछा अल्लाह कहाँ है? उसने कहा आसमान में। आपने पूछा मैं कौन हूं? उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने फरमाया इसे आजाद कर दो, ये
मोमिना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1199। ओजाई ने यहया बिन अबी कसीर से उसी सनद के साथ उसी के हम माना हदीस बयान की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1200।